नमस्कार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे इस बार के पॉडकास्ट का विषय आधारित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर, जिसका प्रत्येक विद्यार्थी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आई परीक्षा इसकी है चहुओर है चर्चा। आई परीक्षा इसकी है चहुओर है चर्चा। परीक्षा पे चर्चा सुनकर उत्साहित है अब हर बच्चा। ये एग्जाम्स आते ही क्यों हैं? बच्चों के मुंह से आपको यह बात अक्सर सुनने को मिलती होगी। परीक्षा का नाम सुनते ही बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स के भी पसीने छूटने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो यही जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम हो। विद्यार्थी तनाव में आ जाते हैं और मन में परीक्षा को लेकर कई सवाल होते हैं। कुछ साल पहले तक सबसे बड़ा प्रश्न ये होता था कि आखिर परीक्षा के तनाव से कैसे बचा जाए, लेकिन पिछले 6 सालों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के इस तरह के कई प्रश्नों का उत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है, हमारी विकास यात्रा का छोटे 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 पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं, ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाता है। परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते हैं। इस चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री बताते हैं कि आने वाली परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इच्छा शक्ति को कैसे बनाए रखें, अपने तनाव और घबराहट को पीछे छोड़ कैसे परीक्षा की परेशानियों से मुक्त हों। साथ ही साथ कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री बच्चों को प्रेरित करने वाली कहानियाँ भी सुनाते हैं। आई है अब सपनों को पूरा करने की बारी, परीक्षा पे चर्चा सुनकर होगी सुगम तैयारी परीक्षा पे चर्चा। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा वर्ष 2018 से प्रत्येक साल कभी ऑनलाइन मोड तो कभी ऑफलाइन मोड में इसका आयोजन किया जाता रहा है। 2018 में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के पहले संस्करण में जहां 22,000 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया था, तो वहीं 2023 में छठे संस्करण में यह संख्या बढ़कर 38.8 लाख थी और 2024 में होने जा रहे 7वें संस्करण के लिए अब तक 2 करोड़ से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा चुके हैं। यह आंकड़ा परीक्षा पे चर्चा के प्रति देश भर के विद्यार्थियों के व्यापक उत्साह को दर्शाता है। इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 29 जनवरी को सुबह 11 बजे नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 4,000 प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने के लिए स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स वर्चुअल मोड में भी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का उद्देश्य तनाव को सफलता में परिवर्तित करना है, जिससे एग्जाम वॉरियर्स बिना किसी टेंशन या स्ट्रेस लिए मुस्कुराहट के साथ परीक्षा दे सके। आई परीक्षा, तनाव रहित सब होकर हम तो देने परीक्षा जाएंगे, चिंता और दुविधा तज कर इसे उत्सव बनाएंगे, चिंता और दुविधा तज कर इसे उत्सव बनाएंगे। पॉडकास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।